अस्पतालों में 250 रुपए में मिलेगा कोरोना का टीका। केंद्र सरकार की तरफ से यह आधिकारिक घोषणा की गई है। देश में कोरोना टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार ने पहले ही कहा है कि सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण मुफ्त होगा, परंतु अब निजी अस्पतालों में टीकाकरण को लेकर भी स्थिति स्पष्ट हो गई है। केंद्र सरकार ने शनिवार को जानकारी दी है कि कोरोना टीकाकरण केंद्र के रूप में काम कर रहे निजी अस्पताल में प्रति व्यक्ति प्रति खुराक 250 रुपए लिए जाएंगे। शुल्क में 150 रुपए टीके की कीमत है, जबकि 100 रुपए सेवा शुल्क है। यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी। कोविड-19 टीकाकरण के लिए 20 गंभीर बीमारियों को सूची में रखा गया है। 45 से 39 वर्ष के ऐसे लोग जो हृदय, कोरोनरी धमनी रोग, MRI, स्ट्रोक, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दे की बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें पहले टीका लगाया जाएगा। टीका लेने वालों को अपना ID, आधार कार्ड, वोटर ID लाना होगा। अन्य लोगों को बीमारी से संबंधित प्रमाण पत्र लाना होगा, जिस पर रजिस्टर्ड डॉक्टर का सिग्नेचर हो। टीके के लिए ऑन साइट पंजीकरण की व्यवस्था होगी। लोग अपनी पसंद के केंद्र पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एवरी वेलकम, यू've नेवर नोन। वेलकम टू अ जर्नी यू've नेवर इमेजिनड। वेलकम टू अरेबिया सऊदी। दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना, तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवाना। We'll be right back.